गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की क्रम में आज मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसमें बी है लग। हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लास्ट वीक मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के टू पार्ट्स हमने बताए थे, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन आज हम इसके अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दो टाइप का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है दो तरह से है। एक तो है ऑब्जेक्ट, पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह से यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे कि देयर आर सेवन सेंटेंसेस, और यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उसके बाद इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे कि किस तरह से हमें ये सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है, हम बात करते हैं कि गेव सोहन गोल्ड वॉच का। तो सबसे पहले नाउन, यानी यहाँ सब्जेक्ट में क्या रहेगा, नाउन, इधर हो जाएगा वर्ब, इधर होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन वो इनडायरेक्ट होगा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले उसमें, यानी सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट में नाउन सोहन, सोहन, फिर उसके बाद आता है वर्ब। तो इसमें क्या है, गोल्ड वॉच वर्ब गेव, तो यहाँ हो जाएगा गेव में, वर्ब में गेव, सोहन गेव, ठीक, सोहन गेव। फिर उसके बाद आता है हर, सोहन गेव पर, उसके बाद यहाँ इसके साथ ही और जुड़ेगा अ गोल्ड वॉच, ठीक है, सोहन ए हर ए गोल्ड वॉच। तो ये सेंटेंस बना कि सोहन यहाँ नाउन हो गया, बल्ब यहाँ गेम हो गया, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हर हो गया, और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो गया ए गोल्ड वॉच, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के लिए कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन में आ जाता है, जैसे हर सी वी अस दे देम, ये बन जाएगा। तो इसी तरह हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इस सेकंड सेंटेंस में यहाँ देखिए अंकल योर नी सेंड ए मोबाइल। तो यहाँ अंकल योर अंकल, यानी पहला जो नाउन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, वो बनेगा योर अंकल, योर अंकल, और यहाँ नाउन में कोई पार्ट नहीं है, पार्ट यहाँ किसमें है, प्रेडिकेट में है। तो प्रेडिकेट में पहले ऑब्जेक्ट है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया योर अंकल सेंड, सेंड जानते होंगे, सेंड यहाँ पर वर्ब हो गया, तो योर अंकल सेंड मी, सेंड मी ए मोबाइल, ए मोबाइल, यानी आपके अंकल ने मेरे लिए एक मोबाइल भेजा। तो मी यहाँ हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मोबाइल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में देखेंगे ए लेटर हिम सेंड आई, ए लेटर हिम सेंड आई, तो आई हम यहाँ बना लेंगे क्या, सब्जेक्ट यानी नाउन, और उसके बाद अ लेटर सेंड, तो सेंड सेंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, यानी सेंड, फिर हिम, आई सेंड हिम अ लेटर, आई सेंड हिम अ लेटर। तो इस तरह से ये थर्ड सेंटेंस बन गया, आई सेंड हिम अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कि बॉट सी ए पेन मी, बॉट सी ए पेन मी, तो सी, सी इसमें क्या हो गया, नाउन हो गया, सी क्या हो गया, नाउन, सी बॉट सी ए पेन मी, यानी सी क्या हो गया, नाउन, ठीक, सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पर बॉट, सी बॉट, सी
she bought help me she bought me a pen she bought me a pen she bought me a pen उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। अब यहीं पर अभी हमने देखा कि हमने जो ऑब्जेक्ट यूज किया है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले यूज किया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में यूज किया। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में यूज करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बाद में यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं फिर सेंटेंस में देखिए, अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है गिव रवि टू हर ए पेन, ठीक। तो रवि यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन, रवि नाउन है यहाँ, और उसके बाद गिव यहाँ क्या हो गया, वर्ब, गिव यहाँ वर्ब है। तो रवि गिव। अब यहाँ क्या है, अब पहले वाले में हमने इनडायरेक्ट पहले लिखा था और डायरेक्ट बाद में लिखा था, और अब जो है हमें डायरेक्ट पहले बताना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बाद में लिखना है। तो रवि गे अ पेन टू हर। तो ये दो तरह से भी, दूसरे तरह से भी इस तरह से बनता है, यानी ऑब्जेक्ट पहले, मतलब पहले इनडायरेक्ट फिर डायरेक्ट इस तरह से। तो पहले वाले में क्या था, इनडायरेक्ट पहले था, डायरेक्ट बाद में था, और डायरेक्ट पहले था और इनडायरेक्ट बाद में। तो रवि गेव अ पेन टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह, छठा सेंटेंस दिया है मिस्टर गुप्ता टू अस टीचेस साइंस। तो यहाँ जाएगा मिस्टर गुप्ता, फिर आ जाएगा वर्ब यानी टीचेस, मिस्टर गुप्ता टीचेस, फिर यहाँ आएगा साइंस SAINCS टू अस, ठीक है। यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, यानी मिस्टर गुप्ता टीचेस साइंस टू अस, मिस्टर गुप्ता हमें साइंस पढ़ाते हैं। एंड लास्ट सेंटेंस 7 यहाँ दिया है आई ए बुक सेंड टू हिम। तो आई यहाँ नाउन हो गया यानी सब्जेक्ट, और वर्ब यहाँ है सेंड, आई सेंड अ बुक, आई सेंड अ बुक टू हिम, आई सेंड अ बुक टू हिम। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, यानी इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की इस एक्सरसाइज में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की कि वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पहले हमने यूज किया इनडायरेक्ट पहले किया और डायरेक्ट बाद में किया, और बाद के सेंटेंस में पहले डायरेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में सीखा।